दिल विच कुटन्ना पैदा करो, बड़ी सारी गल्लां करो जिदे ते तुसी विश्वास करदे ओदे नाल गल्लां करो। अपनों से तुम बात करो, जो दिल में रखा है उसे कह दो, जो दर्द छुपा है उसे कह दो, अंधेरों से निकल कर उजालों तक तुम हंस के मुलाकात करो, बात करो। जी मोमबत्ती चलाई गई है वो एक उम्मीद नाल, एक होप नाल चलाई गई है कि इसकी अवेयरनेस वधी है अपने सोसाइटी च। अज कोई अनोखा ही घर होएगा जिहड़ा इस चीज़ का शिकार नहीं है। एंड अगर थोनों कितने लगता है कि डगमगा रहा है कुछ, तो सीक हेल्प, आपके फ्रेंड नू दसो, अगर फ्रेंड नहीं है तो जिस पर विश्वास कर दो। आओ हम सब मिलकर अपनों से बात करें, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। जब दिल में कोई बात रह जाती है उसी से समस्याएं पैदा होती हैं। असी गल करिए अपने दिल का दुख जो बंटते हैं ना तो घटद है, और असी भी एज अ रिस्पोंसिबल सिटीजन दूजिया की गल नू सुनिए, अपने कान उन्हां नू दईए। जे साडे कोल कोई नज़र आ रहा इंसान जो दुखी है, उन्हें पूछिए कि भरा तेन की गल है, तू मेरे ना शेयर कर, बिकॉज करनी फिर कितने ना कि आ सकती है। सुनने लिए बहुत पेशेंस चाहिए है, लोगों को नहीं है दूजे नहीं टाइम। एक होप की मोमबत्ती है, पर्पल कलर इज द कलर ऑफ सुसाइड अवेयरनेस, कि देर इज़ होप कितने कितने जो बच्चा देखूगा, बिकॉज असी सोशल मीडिया से बहुत पा रहे हैं। सत श्रीकाल सुमित जी, स्नेहा तो यही देना चाहनी है कि आपके दिल विच कुटन्ना पैदा करो, बड़ी सारी गल्लां करो जिदे ते तुसी विश्वास करदे ओदे नाल गल्लां करो, और जिंदगी बहुत कीमती है उन्हें संभाल के रखो। एंड अगर थोनों कितने लगता है कि डगमगा रहा है कुछ, तो सीक हेल्प, आपके फ्रेंड नू दसो, अगर फ्रेंड नहीं है तो जिस पर विश्वास करदे हो, नहीं है तो देर आर लॉट ऑफ हेल्पलाइनस, लॉट ऑफ प्रोफेसनल्स जो थोनों हेल्प करेंगे, बिकॉज बहुत टाइम कैमिकल इम्बैलेंस भी होंगे, जिमें बाकी बीमारियों में मेंटल हेल्थ इशूज़ भी एक बीमारी है। सो जस्ट बी केयरफुल एंड डू नॉट शाई अवे। अगर थोड़ा गोडा दुखता तुसी भज्जे जाने हो, तो अगर थोड़ा के कोई दिमाग की परेशानी है तो प्लीज़ हेल्प लो। की फायदा मिलेगा? फायदा जिंदगियां बचन गियां। साडे बच्चे ड्रग्स लै रहे, वह भी तो कितने कितने मानसिक तनाव करके जो प्रेशर्स है उन्होंने। एंड नंबर टू, ईवन इफ यू सी पीपल जस्ट टूडे व्हेन आई ओपन द न्यूज़ पेपर, 3 पीपल किल्ड देमसेल्व्स, एक नव्य औरता, एक किसान जिदे 2 बच्चे से, एंड एक होर स्टूडेंट, ही जस्ट किल्ड हिमसेल्फ, नीट द टॉपर किल्ड हिमसेल्फ, ही वॉज, ही हैड एवरी थिंग, ही क्लियर, ही वॉज डूइंग रेडियोलॉजी इन मौलाना आजाद, मसा सीट मिलती है, खुश से बड़ा खुश रहिंदा सी, पेरेंट्स नूं पता ही नहीं लग्गिया कि उहदे अंदर बैटल की चल रहा सी। कितना कितने असी भी पेरेंट्स जो परफेक्ट बच्चे होंदे नूं सोच ही नहीं सकते कि उहनां नूं भी प्रॉब्लम्स हो सकदी हैं, इंसान है, थोड़ा जिहा प्यार नाल एक दूसरे नाल डील करिए। अवेयरनेस, वी आर सेंसिटाइजिंग द पीपल बाय, आई टोल्ड यू, असी जगह जगह पर गए हैं, असी FM ते पूरा हफ्ते का विद RJ अक्षिता RJ दीप नाल पूरा प्रोग्राम चलाया, जिस डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने आपके व्यू रखे। उदो बाद असी स्टारबक्स कॉन्वर्सेशंस ऑफ अ कॉफी विद टाइमलेस अमृतसर एंड स्टारबक्स, ओट फाउंडेशन साढ़े नाल बहुत क्लोजली काम कर रही है साढ़े सारे मुद्दों पर। उदो बाद असी पहले दिन कटूर बाय खुराना गए, जिते इंडियन मेडिकल एसोसीएशन द प्रेजिडेंट एंड सैकटरी आए। सो हर कितने कॉन्वर्सेशन, उन्होंने भी कहा कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर असी जा रहे, अगर लोग साढ़े को नहीं आ रहे इस बार असी जा रहे। मोमबत्ती, पर्पल मोमबत्ती का एक थीम है जी, ये उस बंदे लई है जो किसी ना किसी जो जिंदगी गई बिकॉज ऑफ सुसाइड, एक तो असं उन्होंने याद किया। एक होप की मोमबत्ती है, पर्पल कलर इज द कलर ऑफ सुसाइड अवेयरनेस, कि देर इज़ होप कितने कितने जो बच्चा देखूगा, बिकॉज असी सोशल मीडिया से बहुत पा रहे हैं, तो सानू कॉल्स भी आ रही हैं लोगों दी, दे आर आस्किंग फॉर हेल्प, सो वी आर देयर एंड टूगैदर आई थिंक विल मेक अ डिफरेंस। हाँ जी हाँ जी, वो तो सानू वी रियली फील दैट द मैसेज इज़ गॉन, बिकॉज सानू किन्ना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, किन्नी ज़्यादा सानू, यू नो, यू कैन सी ऑन योर पेज दे राइटिंग कॉमेंट्स, कई चीज़ों से वो कहें भी है कि आए नहीं है, सो इस जवाब दें कि असं क्यों कर रहे हैं, हर चीज़ का एक मतलब है, एज वड्डियां भैणा वांग उन्हां नूं समझा भी रहे हैं। सो बड़े लोग जुड़े हैं आफ्टर दिस कैंपेन। जिंदगी दे रहे हो कि जिंदगी बचा रहे हो? ना मैं बचा सकती है ना मैं दे सकती है, बट एक कोशिश कर रही हैं बड़ी छोटी जी, कि अगर मैं कितने ना कितने एक रे ऑफ होप, असी नॉट मैं, असी मिलके एक रे ऑफ होप, एक कैंडल ऑफ होप जगाई है कि जिंदगी बहुत सोहनी है। एक एपिसोड हो सकता है तुसी बिल्कुल फेल हो जाओ,
फिर क्यों यार डिग गए, उठ जाओ, फिर क्यों हो गया. एंड यू नो स्ट्रेट लाइन मीन्स डेथ. थोड़ी लाइफ लाइन भी ऊपर नीचे जाती है, तो जब नीचे है कुछ नहीं होता, ऊपर भी आऊँगी. पर्पस तो यही है कि जैसे डॉक्टर सिमरप्रीत संधू ने ये इनिशिएटिव शुरू किया सुसाइड अवेयरनेस का, उसके लिए उन्होंने मुझे बोला था कोई हम अपना गाना बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुझे बताया था कि हम चाहते हैं कि आप ये वर्ड्स यूज़ करें बात कर. उस उन दो शब्दों से अपने आप ही काफ़ी शब्द उभर कर मेरे मन में आते रहे, और बस दो तीन दिन मैं सोचती रही कि हम इसको कैसे कंपाइल कर सकते हैं. तो म्यूज़िक के लिए मैं दिपिन के पास गई, जो भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं. गीत है कि आओ हम सब मिलकर बात करें. मेन मुद्दा जो है कि आओ हम सब मिलकर अपनों से बात करें, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है. जब दिल में कोई बात रह जाती है उसी से समस्याएं पैदा होती हैं. तो मैं आपको दो लाइन सुनाती हूँ. चार लाइन. अच्छा ठीक है. बात करो अपनों से, तुम बात करो अपनों से, तुम बात करो. जो दिल में रखा है उसे कह दो, जो दर्द छुपा है उसे कह दो. अंधेरों से निकल कर उजालों तक तुम हंस के मुलाकात करो. बात करो इसका क्या मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग यही है कि अपने दिल की बात. आप इतना सुनते हैं डिप्रेशन है आजकल, कम्युनिकेशन गैप है, ये क्या है, ये सब बीमारियां ही हैं. जो लोग अपनी दिल की बात बोलते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, हम अपनों से अगर बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे. तो बात करना, मेरा यही मैसेज बहुत स्ट्रांगली मैं सबको बताना चाहती हूँ कि बात करिए. अपने मन में अपने दिल की बात मत रखिए, क्योंकि उसी से बीमारियाँ पैदा होती हैं. उसी से इतनी बड़ी चीज़ जो आज ये सुसाइड अवेयरनेस है, जो एक्चुअली इट्स द मतलब वो कहते हैं ना सबसे बड़ा पाप है, वो क्यों मन में किसी के भी आए. बात करने से दिल हल्का हो जाता है, और काफ़ी समस्याएं जैसे तबीयत ख़राब हो जाना, डिप्रेशन होना, स्ट्रेस होना, ये सब उसी से जाएगा जब तक हम खुलकर बात नहीं करेंगे. एंड यही मेरे गाने का मतलब है. अज का मकसद सर तू सा चेयरपर्सन ने भी दसिया, जिमें कि सुसाइड अवेयरनेस एक कैंपेन शुरू की थी, इन्होंने 1 month हो गई है फिकी फ्लो ने, और जिद बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गनाइजेशन ने, चाहे वो आर्मी ने, चाहे वो कोई वॉइस ऑफ अमृतसर ने या टाइमलैस अमृतसर ने, दैन सब ने उन्होंने सहयोग दिता. लाइट नू जो असी चलाने तो असी रोशनी करन दी कोशिश करते हैं, तो रे ऑफ लाइट यही है. इतने जी मोमबत्ती चलाई गई है वो एक उम्मीद नाल, एक होप नाल चलाई गई है कि इसकी अवेयरनेस वधी है. अपने सोसाइटी अज कोई अनोखा ही घर होएगा जिहड़ा इस चीज़ का शिकार नहीं है. असी अपने आस पास भी देखिए तो कितने ना कितने सुनने मिल जाता है. अगे 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 रिश्तेदार ने जी अपनी जान नू खत्म कर दिता, अपनी जान हार लीती, बेसिकली अपने आप नू हार मान लेती और लाइफ ही देती, जबकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है. और साडे ग्रंथा च भी लिखा है जिवें कि सब तो वड्डा पाप अगर इस दुनिया च कुछ है तो अपनी जान लेना है. सब तो वड्डी जिन्नू कहंदे आ बिगेस्ट गलत थिंग जिहड़ी असीं कर सकते हैं. सो उस अकॉर्डिंग देखिए तो बात करो एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है कि असीं गल करिए. अपने दिल का दुख जो वंडदे आ ना तो घटदा है, और असी भी एज अ रिसपोंसिबल सिटीजन दूजियां दी गल नूं सुणीए, अपने कान उन्होंने दईए. जे साडे कोल कोई नज़र आ रहा है इंसान जो दुखी है, उन्हें पूछिए कि भरा तेनू की गल है, तू मेरे नाल शेयर कर, बिकॉज करनी फिर कितने ना कितने आ सकती है. सुनने लिए बहुत पेशेंस चाहिए है, लोगों को नहीं है दूजियां लिए टाइम. सो अपने लिए टाइम कढ़ी, उन्होंने गल्लां करिए, कम्युनिकेशन गैप ना कितने भी बदन दईए रिश्ते. और अगर असी किसी होर दी समाज च रिसपोंसिबिलिटी नहीं लै सकते, एटलीस्ट अपनी फैमिली दी रिसपोंसिबिलिटी लईए. एज अ वाइफ अपने हसबैंड, हसबैंड अपनी वाइफ नूं, अपने बच्चों नूं, अपने पेरेंट्स नूं रैगूलर कम्युनिकेशन रखिए, और उस गैप ना आन दईए. क्योंकि जिहड़ा गैप आंदा उहनूं फिल करना फिर बहुत औखा है, और वह गैप ही कितना कितने अगे अगर डिप्रैशन का कारण बनता है, तो वो डिप्रैशन अगे सुसाइड नू तुरदा है, तो ये बहुत माड़ी गल है. और एक छोटी जी चीज़ जो गल करके ठीक हो सकती, बंदे की गल हल्का हो सकता है, मन हल्का हो सकता है, तो फिर यदा उपराला जरूर करिए और अगे वधिए.